शिर चरण करा व्याप्य भीर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभन् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतवचं ब्रह्म तत्त्वज्ञतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद पर विचार करते हुए अभी हम लोग उसका जो प्रथम प्रकरण है आगम प्रकरण, उस आगम प्रकरण के तीसरा मंत्र पर विचार करते हैं। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, ये भी मंत्र पूरा नहीं आवश्यकता का लोग ना क्योंकि हमारे पुरानी पुस्तक इन्होंने कुछ कर तो इसका तृतीय जो मंत्र है उसके ऊपर विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसका दूसरा मंत्र में कहा गया था ये जो आत्मा यही ब्रह्म है, तो उस क्योंकि सर्वम त्रिदम ब्रह्म बोला तो वो ब्रह्म क्या वस्तु है बता, आप स्वरूप है, जीव का स्वरूप है, समझेंगे कैसे अयम आत्मा ब्रह्म मतलब मैं ही स्वरूप तो ब्रह्म हूँ, एक मुख्य रूप से समझ में आना चाहिए। परंतु क्या होता है कि उत्तम अधिकारी के बिना ये समझ में नहीं आता, फलत श्रुति जानते हैं कि सामान्य अधिकारी को भी मैं कैसे इसको समझता हूँ। उसके लिए श्रुति ये पहले शब्द प्रयोग किया स्वयं आत्मा चतुष्पाद, आत्मा निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप में पाद कहाँ से आएगा, दो पाद भी होना संभव नहीं है, चार पाद बोल रहे हैं। तब श्रुति यहाँ पे बोलते हैं ये तीन पाद के द्वारा उस आत्म स्वरूप तक पहुँचाने के उपाय है और चौथा पाद उसको जिसको प्राप्त करने का संबंधित कुछ कहना है, इसलिए उसको तुर्य बोलते हैं। ठीक है ना, उस अवस्था में कौन तुर्य मतलब इस तीन से विलक्षण तुर्य होते हैं, फिर चौथा नहीं है, एक ही है, चार कहाँ से आएगा, एक से भिन्न कुछ है नहीं। इस प्रकार की आपके प्रश्न होता है। अब जो आप इसका पहला पाद को लेकर के विचार करके लिखा ये जागृत अवस्था जो ओंकार की औकार मात्रा है, आगे बोलेंगे यहाँ पे पहले थोड़ा सा बोल करके मात्रा का आधा पादन मात्रा वो जो है ये जागृत अभिमानी चेतन को, जागृत अभिमानी चेतन दो भाग में विभाजन किया, एक व्यष्टि अभिमान एक समष्टि अभिमान, क्योंकि बीच विवर्तक हम साधक व्यष्टि अभिमान में होता है, साधक व्यष्टि में अभिमान करता है और धीरे धीरे उसको वो उस अभिमान को मान्यता दे करके पहले उनको समष्टि तक पहुँचाया जाता है। तो जैसे व्यापकता में अभिमान करने लग जाता है तब बोलते हैं जिसमें अभिमान कर रहे वो नहीं है व्यापकता सत्य है, समझ में आ रहा है इसमें हम अभिमान कर रहे हैं ना ये है। तो तू इतना मात्र नहीं है, तो ये सारा जो भी तुझे समझते तू है, उससे भी कुछ है नहीं। जब ऐसा बोलते व्यक्ति को अच्छा ही लगता है, वो चाहता है कि मैं सारा संसार का मालिक बनूँ, सभी व्यक्ति का सामान यही चले थे, तो बोलते बिना लड़ाई झगड़ा के तुम मालिक अपने आप ही हो, तो पहले उसके उसमें तुम सबको रक्षा करना पालन करना सीखो, तब धीरे 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 अपने को व्यापकता में ले जाते। और फिर जिसको रक्षा जो पालन कर रहा है ये जो रक्षा पालन किसको करेगा, वो तो तब तुम्हारा कल्पना ही था, हम तुम्हारी कल्पना को आश्रय करके तुम्हारी केवल परिच्छिन्नता को छुड़ाने के लिए व्यापकता को प्रदेश किया था, अब कल्पित वस्तु को हटा व्यापकता में स्थिर हो जाएगा।
इस अभिप्राय से यहाँ पे स्वयमात्मा चतुष्पद करके बोला गया था। आप जो जागृत अवस्था में अभिमानी चेतन है, जो व्यस्त अभिमानी चेतन, उसको यहाँ पे वैश्वानर शब्द का रखा। वैश्वानर शब्द का पहला विषयन दिया जागृत स्थान, मतलब यह भगवान भाष्यकर लिखकर जागृत स्थान में अभिमान करने वाला चेतन, ठीक है, परिच्छिन्न जागृत स्थान में अभिमान करने वाला चेतन। फिर वैश्वान इस समय इनका जो भी कुछ बोध होता है केवल अपने स्वरूप को छोड़ करके बाकी सारा वैश्वान है, चाहे बाहरी विषय हो चाहे अपने शरीर इंद्र मन बुद्धि का। और इस व्यक्ति का स्थूल शरीर में 7 अंग दिखाई पड़ते हैं, स्थूल शरीर में 7 अंग के द्वारा स्थूल शरीर को कहा गया है। सर, आंख, मुंह, धड़, उसकी स्थान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 स्थूल शरीर को दिखाया और फिर जो है सूक्ष्म शरीर दिखाने के लिए 19 अवयव का, जिसके द्वारा भूख दर्द कारण है, 19 अवयव के माध्यम से दिखाया एक कौन, ठीक है ना। तो एक और विक्षेप के मुख में कौन कौन आया था, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहम, है ना। ये चित्त भी जो है वो चेतन, चेतन का अभिव्यक्ति चित्त के माध्यम से होता है, कैसे, जैसे विधि अथवा संस्कार अभिव्यक्त होता है ना। इस प्रकार चित्त की एक काम और भी है, आप अपने चित्त को समझेंगे कैसे, तो यहाँ पे नहीं है प्रश्न बोल रहा हूँ। सुषुप्ति काम चित्त क्या होता है, क्योंकि साइकिल पर कौन है, ये रिसीव भी करता है डिलीवरी भी करता है, क्योंकि रिसीव नहीं करेगा तो डिलीवरी किसको करेगा, रिसीव किया तब तो डिलीवरी करेगा। अच्छा, अब जो है सुषुप्ति काल में हम क्या बोलते हैं, आपका शरीर सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य छूट गया और सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य छूट गया, आप इंद्रिय काम नहीं कर रहे, मन बुद्धि अहंकार भी काम नहीं कर रहे, परंतु आप उठ करके बोलते हो कि मैं आराम से सोया था। अनुभव के बिना कोई स्मृति होना संभव नहीं है, अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है। तो जिस समय आपने सोया उस समय कोई एक अनुभव करता था, ठीक है, जिस समय आपने सोया उस समय कोई एक अनुभव करने वाला वो जगा हुआ था, यानी कि आत्मा जगा हुई तो हमें पता लगता है और प्राण भी जगा हुआ होता है, परंतु प्राण का अपना कोई उपकरण नहीं हो तो कुछ काम केवल मतलब सबको चलने में मदद करते, शरीर को रक्षा करते। तो इसलिए हमको मानना पड़ता है कि चित्र की जो रिसीविंग भाग है ना, क्योंकि आत्मा का शुद्ध कुछ नहीं कर सकते, आत्मा ना किसको ग्रहण करेगा, आत्मा अनुभव करता है बोलते, अनुभव करता नहीं है वो, उपाधि के माध्यम से अनुभव करते तो उसमें दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो अनुभव करता भी नहीं है, कुछ करता नहीं, करता भुगत होता तो विकारी हो जाता। पर उठ करके जब हमारा कोई भी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा, फिर भी हम उठ करके बोलते हैं कि हम आनंद से सोया था, ये अनुभव किसने किया, तब आपको मान्यता देना पड़ेगा कि चित्त की जो हमारा रिसीविंग पार्ट है वो चित्त की रिसीविंग पार्ट उस आनंद को ग्रहण कर, आत्मा की आत्मा तो है वहाँ पे शुद्ध है, वहाँ पे चेतन है, वो चेतन रहने के कारण वो टेप रिकॉर्डर चल रहा है, क्या चल रहा है, एक आनंद का रिकॉर्ड होता है। और वो आनंद कैसा आनंद है, स्थूल विषय सूक्ष्म विषय कुछ भी नहीं है, केवल अपने स्वरूप आनंद के साथ एक होकर सो रहा है। तब अब जब उसको जगाने का प्रक्रिया होती है, दो प्रकार से जागते हैं, या तो आपका सुषुप्ति का प्रारब्ध समाप्त हो रहा है अथवा कोई बाहरी निमित्त आकर का उठा रहा है, ठीक है ना। यदि सुषुप्ति का प्रारब्ध समाप्त होगा तो धीरे धीरे मनोवृत्ति आने लग जाएगी, और यदि मान लीजिए जैसे अजातशत्रु ने बालाकी को बोध कराने के लिए सुषुप्त पुरुष के पास ले गया था, ले जाकर उसको उठाया गया हाथ से, धीरे 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 उसको उठाया, मना है किसी व्यक्ति को अचानक नहीं जगाना, क्योंकि वो सारे इंद्रियों से अपने को विद्रोह करके हृदय आकाश में जाकर सोता है, और यदि अचानक जगाएंगे तो उसी नाड़ियों के माध्यम से जब उनके इंद्रियों में आना पड़ता है जल्दी बाज में कहीं इधर उधर हो सकता है, फिर उस इंद्रिय ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। अब जो है इससे मानना पड़ता है कि चित्त की वो जो रिसीविंग पार्ट है वो रिसीविंग पार्ट उतना काम करते हैं आत्मा के विद्रोह मन में, जैसे ही कोई जगाता है हाथ लगाए ना, यदि कोई हाथ लगाए आपका कोई इंद्रिय काम नहीं करता, इसको समझ में कैसे आएगा कोई मेरे को हाथ लगाए, यानी कि चित्त की जो भाग वहाँ पे रिसीव मतलब आपका आनंद को रिसीव कर रहा था वहाँ पे स्विच लगता है, वो बंद हो जाता है, और किसी ने स्पर्श किया वो उसको फीलिंग आता है, जैसे ही चित्त में फीलिंग आया वो माइंड को डिलीवर करता है। ये धीरे धीरे देखना सीखे, इसको धीरे धीरे मतलब आप समझना सोचे, तब आपको ये होगा कि मनोवृत्ति चित्तवृत्ति बुद्धिवृत्ति अहम वृत्ति आपके सामने दृश्य होता है।
और जैसे आप जो है ये जगाया तो मन को बोला, ओके मन को बोलता है कोई बाहर से तुमको स्पर्श कर रहे हैं अथवा कोई आवाज़ कर रहे हैं कुंभकर्ण को जगाने के लिए, बोल तो भाग देते हैं खाने पीने का, तो सुगंध दिखाना उनके नाक के सामने रखा गया था ढाके। तो क्या हुआ कि वो जैसे घ्राणेन्द्रिय तो बंद है, घ्राणेन्द्रिय वो तो नहीं गया, कौन काम पहले हुआ घ्राणेन्द्रिय में सुगंधि पहुंचा तब उठा अथवा उठा फिर घ्राणेन्द्रिय लिया, क्या मानोगे? अब उठा कैसे उठेगा, कैसे उठा तो गहरी नींद में सोया हुआ, यदि प्रारब्ध वशत हुआ तो बता अलग बता कोई उसको जगा रहे हो, तब मतलब क्या है उस समय वो जो सुगंधि गया ना, वो सुगंधि क्या करता है आपका सुगंध उस समय ग्रहण नहीं हुआ, जैसे ही आनंद ग्रहण का स्वरूप आनंद ग्रहण कर रहा था वो स्विच को उस रिकॉर्डिंग स्विच बंद करता है, हाँ, और ये तो ये रिसीव करता है बाहर को, अंदर रिसीव आनंद को रिसीव बंद हो गया, अब ये सुगंध को रिसीव करके अब माइंड को देता है, ये जो है ये चित्त, इसी इस प्रकार से चित्त भी उस समय चेतन चित्त के माध्यम से भी चेतन का अभिव्यक्ति होती है, है ना, चित्त के माध्यम से भी चेतन का अभिव्यक्ति होती है। इसलिए यहाँ पे बोले थे आपको, देखिए कल हम लोग 4 नंबर टिप्पणी पढ़ रहे थे, ये 17 नंबर पेज में आपके पुस्तक में थोड़ा ढूंढ लेना, इस टाइम पट्टी का मैं पढ़ लिया, मनोबुद्धयोस्य सर्वत्र साधारणम करणत्वम् अहंकारस्य अपि प्राणादिवत् एव करणत्वम् मन्तव्यम्। अहंकार प्राण के देखो सबका प्राण जैसा, किसी को अपना कोई विषय नहीं है परंतु हर चीज को मदद करता है, अहंकार भी ऐसे ही है ना, मैं देखा मैं सुना मैं सूंघा मैं गया मैं बैठा सबको मैं अहंकार बड़े चिन्ह में सब। चित्तस्य चैतन्य आभास उदय करणत्वम् उक्तम् इति विवेकतव्य, चित्त का जो चैतन्य का आभास में वो भी करण का काम करता है, ये भी हमें विवेकपूर्वक समझना चाहिए। तो 4 नंबर टिप्पणी वहाँ पे कहते जो चैतन्य आभास उदय, तो चैतन्य आभास उदय मतलब स्मरणात्मक चैतन्य आभास उदय है ना, स्मरण किया आपने, जो अनुभव होता है वही स्मरण होता है, और अनुभव को भी आपको जो रिकॉर्ड करते हैं वो, और किसको रिकॉर्ड करता है वो, इंद्रियों के माध्यम से वो जो वस्तु मन में आता है फिर जब वो चित्त में जाता है, यदि नया होगा तो किसी से पूछ करके ये वस्तु है, यदि पुराना होगा तो वहाँ से रिकॉर्ड होगा, हाँ ये वस्तु बुद्धि निश्चय कर लेती है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि चैतन्य आभास उदय करणत्वम् इति विवेकतव्यम्, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, यहाँ तक हमारा कल पढ़ना हो गया था, अब देखिए जो आगे का भाव आ रहा है, तो भाष्य में यहाँ तक हो गया था ना, पंचो मनोबुद्धि अहंकार चित्तम इति मुखानी इव मुखानी तानी उपलब्धि धारण, मतलब मुख जैसा मुख है क्योंकि ये उपलब्धि के लिए दरवाजा है, विषय उपलब्धि के लिए दरवाजा है, इसको मुख कहा गया। अब जो है बोल रहे हैं कि टीका में देखिए, पूर्वोक्तैर विशेषणैर विशिष्टस्य वैश्यानरस्य, ठीक है ना, ये कितना विशेषण दिया गया है, वैश्यनर आपको बोला था नाम हो गया विशेष, और एक हो गया जागरित स्थान, फिर वैश्यप्रज्ञ सप्तांग एक अनुविंशति, 4 हो गया है ना, जो जागरित जागरण में अभिन स्थूल में अभिमान करने वाला, बाहरी विषय का ज्ञान रखने वाला, और फिर क्या था उसका 7 अंग है, मतलब स्थूल शरीर 7 अवयव से जुड़ा हुआ है और सूक्ष्म शरीर 19 अवयव है, ऐसा कहा गया है, जिससे वो विषय को अनुभव करता है, है ना, जिससे उपलब्धि धारण ये बोला वहाँ पे। तो पूर्वोक्तैर विशेषणैर विशिष्टस्य वैश्वानरस्य, ये जो पूर्वोक्त जो विशेषण कहा गया इन विशेषणों के द्वारा विशिष्ट है जो वैश्वानर, ठीक है ना, मतलब स्थूल अभिमानी चेतन व्यष्टि स्थूल अभिमानी चेतन, ये विषय जो पूर्वोक्तैर विशेषणैर विशिष्टस्य वैश्वानर, आगे कहे गए हैं विशेषणों के द्वारा विशेषित हो गया जो वैश्वानर, उस वैश्वानर का क्या होता है स्थूल भूक, यहाँ पे आगे क्या था स्थूल भूक, ठीक है ना, एक और विशेषण अंतर है, वो स्थूल वस्तु को ही खाता है, सूक्ष्म ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है, स्थूल भूक। तो ये यहाँ पे बोलते हैं स्थूल भूक की विशेषण अंतर में एक और विशेषण है, 5वां विशेषण है ये, तद विभजते उसी को विशेष करके दिखाते हैं, उसको भगवान भाष्कर विशेष करके दिखाते हैं, आप भाष्य में स एवं विशिष्ट स वैश्वानर एवं विशेषणेर विशिष्ट, भाष्य में ना स वैश्वानर एवं विशेषणेर विशिष्ट, ये 4 विशेषणों के द्वारा विशेषित है जो वैश्वानर, ठीक है, वो क्या होता है वैश्वानर, देख श्वास के साथ लागे वैश्वानर यथक्तैर द्वारैः, जो यहाँ पे 19 द्वार कहा गया था, इन द्वार द्वारों की दरवाजों के माध्यम बना करके शब्दादीन स्थूलान विषयान भूमते, भोग करने योग्य तो 5 ही वस्तु है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
सिर्फ पांच इंद्रिय है, ठीक है ना, और इसी का मिला जुला चीज बनते हैं। परंतु ये जो है तन्मात्रा को ग्रहण नहीं कर पाता, कौन इंद्रिया, इंद्रिया तन्मात्रा को ग्रहण नहीं कर पाते। इंद्रियां यदि तन्मात्रा को ग्रहण करने का सामर्थ्य इंद्रिय को होता तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर वियोग होते समय जो सामने रहने वाले व्यक्ति कहते मैंने देखा इनके शरीर से स्थूल सूक्ष्म शरीर निकल गया। इस इंद्रियों के यद्यपि इंद्रिय तन्मात्रा से बनी हुई है, इंद्रिय तन्मात्रा से बनी हुई है, परंतु इंद्रिय तन्मात्रा को ग्रहण नहीं कर सकते, भूत को ग्रहण करते हैं, परंतु स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। स्थूल शरीर जब जल जाता है तो दिखता है उसको, परंतु सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर से अलग हो जाता है उसको नहीं दिखता है, क्योंकि तन्मात्रा को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है। इस हिसाब से यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो है स्थूल भूत। और उसके बाद और क्या है, देवता के अनुग्रह के बिना भी नहीं होता। एक एक इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है, उस अधिष्ठात्री देवता यदि मतलब हमको अनुग्रह नहीं करते हैं तभी आप स्थूल विषय को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति का कोई ऊपर जो दिखाई पड़ता है ये इंद्रिय गोलक, यहाँ पे तीन वस्तु है, एक इंद्रिय गोलक जो दिखाई पड़ता है, एक हो गया इंद्रिय जो दिखाई नहीं पड़ते, और इसके साथ रहता है इंद्र अधिष्ठात्री देवता जिसके रहने के कारण इंद्रिय काम कर पाते हैं। डॉक्टर जो डॉक्टरी करते हैं वो इंद्रिय गोलक के ऊपर करते हैं, इंद्रिय के ऊपर कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर, केवल इंद्रिय गोलोक में कोई खराबी हो गया वो डॉक्टर ठीक कर सकते। इंद्रिय खराब होगा तो हमारी कर्म के अनुसार हमारी कर्म फिर से उठा सकते हैं उसको, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं वो शब्दादिन स्थूलान विषयान भूते, शब्दादि स्थूल विषय को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय आदि पांच बोले यहाँ पे, शब्दादि स्थूलान विषय स्थूल विषयों को घूमते भोग करते कौन, वैश्वानर घूमते, इसलिए वैश्वानर के एक नाम क्या है स्थूल भूख, स्थूल को भूख करने वाला, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर टिप्पणी का क्या बोलते हैं, टिप्पणी में नीचे आ जाइए, स एवं विष्णु हमने पढ़ लिया, उसके बाद शब्दादि विषयानाम स्थूलत्म दीघादि देवता अनुगृहित ही श्रोत्रादि भी गृहमानत्म। स्थूलत्व से क्या कह रहे हैं, शब्दादि विषय सूक्ष्म है कि इंद्रिय सूक्ष्म है, इंद्रियेभ्यो परा ही अर्थ इंद्रिय, यदि ये भी मिलता है आपको तो यहाँ पे विषय को सूक्ष्म बोला जा रहा है, इंद्रियों भी इंद्रियेभ्यो परा ही अर्थ, कहीं भी ऐसे ही बोला इंद्रियानि परानि अहम्। इस तरह सोच लीजिए इस चीज को, दोनों प्रकार की वाक को हमें उपनिषदों में अथवा गीता में मिलते हैं। अब दोनों के जब अर्थ करेंगे, एक जगह बोलते हैं कि इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियां सूक्ष्म की है विषय को ग्रहण करते हैं, इंद्रिय विषय को ग्रहण करते हैं, विषय स्थूल है इंद्रिय सूक्ष्म है, इसलिए परंतु इंद्रियेभ्यो परा ही अर्थ, इंद्रिय से सूक्ष्म है विषय, वो कौन सा विषय, जो विषय ग्रहण काल में वो विषय के से जो सुख आपने अंदर लिया, विषय अंदर नहीं गया, विषय भोग का जो संस्कार अंदर गया वो बहुत बलवान है, वही इंद्रियों को अंदर से धक्का मारता है, वो इसीलिए वो इंद्रियों से सूक्ष्म है, वो इंद्रियों को बाहर प्रवृत्ति करने में वो मदद करते हैं। तो जहाँ पे आपको मिलेगा इंद्रिय भी परा ही अर्थ, वहाँ पे समझना विषय के संस्कार जो अंदर गया हुआ चित्त भूमि में है, वो चित्त भूमि में है, और जहाँ पे इंद्रियां नहीं परानियां हो वहाँ पे इंद्रिय विषय से सूक्ष्म है, इंद्रिय विषय क्योंकि विषय स्थूल है भौतिक है और इंद्रिय तन्मात्रा में है, वो उसको उपादान को लेकर के बोला गया है, और परंतु यहाँ पे उसका कार्य भाग को लेकर के बोला गया, इंद्रियों से जो छूप को हमने अंदर लिया, इंद्रियों के द्वारा विषय को भोग करते समय संस्कारात्मक वो इतना सूक्ष्म होता है, वही हमको जन्मांतर के लिए भी बनता है, उससे जो वासना बनती है उस जन्मांतर के लिए बनती है। ये बहुत ये चीज को साथ हैं, दो चीज हमने जो मतलब संदर्भ से प्राप्त हुआ, चित्त का काम देखना और वही जो उसको रिकॉर्ड करके रखता कौन है, संस्कार चित्त, इसलिए बार बार बोलते हैं चित्त शुद्धि चित्त शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या किसकी शुद्धि, चित्त शुद्धि, संस्कार की शुद्धता चाहिए, संस्कार की शुद्धता चाहिए, मन शुद्धि मतलब मन तो केवल मात्र इंद्रियों जो वर्तमान विषय को ला करके देते हैं उसके ऊपर विचार करते हैं, परंतु पकड़ कर रखने वाला होता है वो चित्त, इसलिए उसमें शुद्धि चाहिए। अब आइए यहाँ पे तो शब्दादि विषयानाम शब्दादि विषयों में स्थूलत्व धर्म बैठा हुआ, क्यों, क्योंकि एक तो भूत से बना हुआ है और दीर्घादि देवता अनुग्रहित, और अब एक अकान की देवता कौन है, दिशा,
ठीक है ना, त्वचा के देवता वायु, प्रत्येक इंद्रिय त्वचा के देवता वायु है, फिर चक्षु के देवता सूर्य, हाँ तो पत्नी रूप है तो यश रूप है ना, प्रवेश के रूप है, और फिर हमारे पास क्या है, रसायन इंद्रिय वरुण देवता, और पृथ्वी के घ्राण इंद्रिय के पृथ्वी देवता, कि पांच देवता के द्वारा अनुग्रहित होके हुए, यदि आप इन देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे, इसलिए भगवान भाष्यकर बोलते हैं वसुदेव वहाँ पे, इन देवताओं को आप प्रार्थना करिए, देवताओं को उपहार मत दीजिए, इन देवताओं से बचने के लिए उपाय क्या है, देवताओं का आप यदि उपहार बलि चढ़ाते जाएंगे वो आओर आओर करता है, तो देवता को क्या करना है, प्रार्थना करना है, आप हम आप इस मतलब हमको इस ग्रहण करने की इच्छा को छोड़ा, अब हमारे पीछा छोड़ा, बहुत हो गया अब चुना, ये जब बार बार बोलते रहेंगे तो वो, क्योंकि इंद्रियों यदि आपका सटीक नहीं रहे तो ज्ञान होना भी मुश्किल, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, इसलिए वो मदद करे परंतु केवल मात्र विषय वस्तु की ओर, केवल मात्र विषय वस्तु को समझ नहीं, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं देवताओं के द्वारा अनुग्रहित होने पर ही इंद्रिय विषय के ग्रहण कर पाते हैं, शब्द विषयानाम स्थूलतम दीगादि देवता अनुग्रहित श्रोत्रादि भी गृहमानत्व, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इस कारण से विषयों में स्थूलत्व है, इंद्रिय सूक्ष्म है, ठीक है ना, विषय स्थूल है, इंद्रियां सूक्ष्म है। अब देखिए यहाँ पे भी एक टिप्पणी दिखाई पड़ता है, शब्दादि विषयानाम मिला, शब्दादि विषयानाम इंद्रिय ग्राह्यत्व गुण प्रयुक्तम गुण, शब्दादि विषय में जो इंद्रिय ग्राह्यत्व स्थूल क्यों है, शब्दादि विषय में स्थूलत्व क्यों है, क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य है, इंद्रिय ग्राह्य है, ये गुण उसका धर्म के कारण, इसलिए आप बोलते हैं स्थूलत्म इति आशीष को मन में रखते बोलते हैं शब्दादि विषयानाम इति। अच्छा अब होता है स्वप्न में भी हम विषय को देखते हैं, बोलते हैं स्वप्न विषयानाम अपि श्रोत्रादि ग्राह्यत्वम प्रतिभाषते इत्यादि, जो स्वप्न में भी तो आप जो है इंद्रियों को ग्रहण कर विषय को ग्रहण करते हैं, उस समय आप इंद्रिय बना लेते हैं, परंतु इंद्रिय प्रातिभाषिक वस्तु को ग्रहण करते हैं, इसलिए इंद्रिय भी कल्पित है, उस समय ये इंद्रिय काम नहीं करता, रात को सोते समय एक व्यक्ति चश्मा पहन करके ही देखता है, रात को सोते समय चश्मा पहन करके सोएगा कि नहीं सोएगा, बोल देगा, स्वप्न देखने समय क्या करेगा, चश्मा लगा लेगा, अथवा किसी को बोलेगा कि मेरा चश्मा ला दो मैं थोड़ा देखूं, यानी कि उस समय जो अंधा व्यक्ति भी सपना देखता है, अंधा व्यक्ति भी सपना देखता है, क्योंकि जन्मांतरी संस्कार से जन्मा जाते मतलब जाते अंध व्यक्ति को भी सपना देख सकते हैं जन्मांतरी संस्कार से, ठीक है ना, अथवा अन्य इंद्रियों से जो वस्तु का ग्रहण होता है तो उस हिसाब से स्वप्न देख सकते हैं, इसी यहाँ पे बोलते हैं कि स्वप्न विषयानाम अपि स्वप्न में दिखाई देते हो श्रोत्रादि ग्राह्यत्वम, वो भी तो इंद्रिय के तरह ग्रहण होता है, प्रतिभाषित प्रतीति होते क्या हो दीगा आदि देवता अनु वहाँ पे आपको देवताओं के द्वारा अनुग्रहित नहीं है, ठीक है, स्थूल विषय में से वहाँ पे अतिव्याप्ति नहीं है इसका, स्वप्न में जो आप इंद्रियों के देखते हैं वो ये इंद्रिया नहीं है, वो स्वप्न में जिस इंद्रियों से आप देखते हैं वो ये इंद्रिय नहीं है, इस इंद्रियों जैसे इंद्रियों का कल्पना करते हैं, जिस प्रकार जिस शरीर को लेकर के स्वप्न में मैं भागता हूँ वो ये शरीर नहीं है, परंतु इस शरीर जैसा शरीर को हम कल्पना कर लेते हैं, स्वप्न में क्या करते हैं इस शरीर जैसा शरीर को हम कल्पना करते हैं, वो शरीर बिस्तर में पड़ा रहता है, ठीक इसी प्रकार उस शरीर में जो इंद्रियां वो वही है, परंतु हम इंद्रिय कल्पना करते हैं, तो हम जब स्वप्न में भोगते हैं तो इसलिए वहाँ पे इसका अतिव्याप्ति नहीं है, वहाँ पे इस स्वप्न में इसका अतिव्याप्ति नहीं, इसको यहाँ पे बोलते हैं कि दीगादि देवता अनुग्रहित इति, देवता अनुग्रह शास्त्रीय गम्यत्वात्, देवता अनुग्रह कहाँ से पता लगते हैं, कोई नहीं सिखाएगा एकमात्र शास्त्र के बिना, शास्त्र पढ़ने पर ही पता लगता है कि देवताओं के द्वारा अनुग्रहित ये भी ना होता है ना, इसलिए बोलते हैं शास्त्र के गम्यत्वात्, शास्त्र सच प्रातिभाषिक और विषयत्व, शास्त्र जो बोलता है ना प्रातिभाषिक विषय को लेकर के लोग तत्व विषय को बोलते हैं, इसलिए न तत्व अतिव्याप्ति, इसलिए स्वप्न में इसका अतिव्याप्ति नहीं है, ठीक है ना, और स्थूल भूख देवता का अनुग्रह का तो स्वप्न में आवश्यकता नहीं है, स्वप्न में केवल मात्र एक मन की देवता चंद्रमा, वो देवता हम अनुग्रहित करते हैं, वो देवता अनुग्रह, और आत्मदेवता तो है ही, आत्मा के बिना मन भी काम नहीं करेगा, ये हम
श्रोत्र आदि भी ये टिप्पणी आया ना समझ में कि सापने विषयानाम अपि श्रोत्र आदि ग्राह्यत्वं प्रतिभासते तत्र दीगादि देवता अनुग्रहितरिति देवता अनुग्रहस्य शास्त्रैक गम्यत्वात् शास्त्रस्य च प्रातिभाषिक अविषयत्वात् न तत्र अतिव्यक्ति इसलिए वहाँ पर जो है सब इसका अतिव्यक्ति प्रातिभाषिक वस्तु नहीं है प्रातिभाषिक वस्तु नहीं ये बात अच्छा अब क्या हो गया अब इसमें बनने का पूरा हो गया पेज 17 पूरा हो गया अब क्या कहना चाहते हैं स्थूलभूत तब आ गया अब जो है देखो मूल में क्या है कि जागृत भाष्यकार को देखिए एक एक शब्द को लेकर के अर्थ किया जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एक अनविंशति मुख फिर आया स्थूलभूत अब आया वैश्वन वैश्वन शब्द कैसे वैश्वन शब्द का अर्थ करना चाहते हैं इसीलिए टीकाकार यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ यहाँ तक भाष्य पढ़ लिए ठीक है ना शब्द आदि स्थूल घूमते थे स्थूल भूत अब फिर टीका में देखिए इदानीम वैश्वानर शब्द से प्रकृत विश्व विषय विषयत्व विषय देती अब जो है क्या करना चाहते हैं भगवान भाष्यकार एक एक मूल के शब्द को लेकर के अर्थ दिखा दिया अब आपके पास है वैश्वानर शब्द तो वैश्वानर शब्द किसे बोलते हैं इदानीम वैश्वानर शब्द से मूल में आया हुआ जो वैश्वानर शब्द उस वैश्वानर शब्द का प्रकृत विश्व विषयत्व है ना समस्त सृष्टि को विषय करता है वैश्वान शब्द है ना विश्व मतलब विश्व मतलब ये विश्व वैश्वान शब्द बनाई है विश्व शब्द सर्वाधिगण में आया हुआ शब्द विश्व शब्द जब वैश्वान लग जाता है विश्वनर हो जाता है तब प्रज्ञाधिगण में चला जाता है तो यहाँ पे बोल शब्द शो प्रकृत विश्व विषयत्म सारा सृष्टि को विषय करता है वो उसको दिखाने के लिए उसका अर्थ करता है विषय मतलब उसके अर्थ करते हैं भगवान किसी को अगर नहीं मिलता है समझ नहीं आता है तो बाद में पूछना उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक कैलाश की पुस्तक में दिक्कत क्या होता है भाष्य टीका टिप्पणी तीनों को कनेक्ट करना पड़ता है इसलिए भागा नहीं जा सकता यहाँ आप तीनों को कहाँ जैसा जैसा लाइन आता है उस हिसाब से हमने पुस्तक लेखा मार्क करके रखा उस पुस्तक में यहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है प्रकृत विश्व विषयत्म मिला और हमारी पुस्तक तीन नंबर पेज 18 में प्रकृत विश्व विषयत्म तीन नंबर टी में देखिए इति अनेन विश्वस्य समष्टि आत्मना ईश्वरत्वं विवक्षितं सूचयति ये जो हम पहले बोल यहाँ भी बोलेंगे आपको पहले भी कई बार बताया आपको हमारे पास एक ही तत्व है उस एक तत्व जब सृष्टि की इच्छा करती है तब वो एक वहाँ पे माया को अपने साथ में मतलब अपनी शक्ति को अपने संकल्प से अभिव्यक्त करती है अब तब उसका नाम हो जाता है ईश्वर अथवा दृष्टि में उसको कहते हैं प्राज्ञ फिर वही जब सृष्टि की कल्पना मन में चिंतन करने लगते हैं तब उसको हिरण्यगर्भ हो जब उनके मन में सृष्टि की पूरा प्रक्रिया आ गई तब उनका नाम है हिरण्यगर्भ और उस स्वप्न काल में जब हम चिंतन करते हैं तो वो क्या हमारा तेजस और वही व्यक्ति जब स्थूल अपने ऊपर उस स्थूल का आवरण ओढ़ लिया उसी व्यक्ति तो शुद्ध चेतन भी वहाँ विद्यमान है और वहाँ पे माया उपहित चेतन अव्यक्त भी विद्यमान है अर्ध भी व्यक्त भी विद्यमान है और पूरा भी विद्यमान है इसको पंचदशी कारण और एक सुंदर दृष्टांत द्वारा समझाया एक सफ़ेद कपड़ा उस सफ़ेद कपड़ा के ऊपर चित्रकार यदि कोई चित्र बनाना चाहते हैं तो पहले उसको मार में डुबाते हैं तो कपड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है तो हार्ड होने से उसको पेंसिल तक पेंसिल थोड़ा आसान हो जाता है फिर उसके बाद वो कुछ पेंसिल से दाग लगाते हैं वो केवल चित्रकार ही समझ सकते उसका कोई नहीं समझेगा फिर उसके ऊपर रंग भरते हैं तो क्या होगा अभी आपको मकान दुकान पहाड़ मुंडी सब स्पष्ट दिखाई देने लग जाए ठीक है ना उसी कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति उसी कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति दुकान से सामान खरीदे आपको दिखाई देगा उसी कपड़े के ऊपर कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति अलग कपड़ा उस कपड़े के ऊपर ही दिखाई दे रहा है एक अलग कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति है सत्य कौन वहाँ पे मूल कपड़ा है सत्य है उस कपड़े पर एक बार पानी में डुबाओगे सारा गया कौन रहेगा केवल शुद्ध चेतन शुद्ध सफेद कपड़ा ही सत्य है वो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे उस शुद्ध चेतन के ऊपर ही एक परिच्छिन्न चेतन भी मतलब पूर्ण कपड़े के ऊपर एक कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति जैसा दिखाई पड़ रहा है उसी कपड़े उसी पर पूर्ण व्यापक चेतन के ऊपर एक परिच्छिन्न चेतन जैसे शरीर दिखाई पड़ता है समझ में आता है ये ठीक इसी प्रकार यहाँ जैसे उस चीज को पढ़ने मतलब एक पेंटिंग को मैं दृष्टांत दिया जैसा उस पूर्ण कपड़ा के ऊपर एक पूरा कपड़े के ऊपर एक कपड़ा पहना हुआ अलग व्यक्ति दिखाई पड़ता है
और वो कपड़ा कपड़ा पहना अलग कपड़े उसको कपड़े का कोई मतलब नहीं है उसका, परंतु उस कपड़े के ऊपर ही दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे पूर्ण शुद्ध चेतन के ऊपर ये परिच्छिन्न चेतन शरीर के साथ ऐसा दिखाई प्रतीति मात्र होती है, ठीक है ना। एक बार चित सागर में गोता लगाओ गया सारा रहो परिच्छिन्नता गया सारा शुद्ध चेतन। यहाँ पे बोलते हैं ये प्रतीत विश्व विषयत्म। अब जो है विश्व कहने से किसको कहना चाहता है? ईश्वर सृष्टिकर्ता को दिखाना चाहते हैं इसको, मतलब हम विश्व भी कहेंगे अथवा तेजस भी कहेंगे, दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारी व्यापकता को दिखाना चाहते हैं। इस अभिप्राय से यहाँ पे बोलते हैं तीन नंबर जी इति अनेन। यहाँ पे क्या बोला? प्रकृत विश्व विषयत्म। प्रकृत मतलब हमारा प्रकृत क्या है यहाँ पे? ओम इति एतदक्षर मिदगुण सर्व, उसका आत्मस्वरूप का बोध करना वही प्रकृत है। ओम ही अभी आत्मा वही ब्रह्म है। यदि ब्रह्म तत्व को बोध करना चाहते हैं तो ब्रह्म के लिए तो कोई शब्द नहीं है। शब्द किसके लिए? माया उपेत चेतन से शब्द शुरू होते हैं, तो क्या है उसका शब्द? ईश्वर। ठीक है, इसीलिए आप बोलते हैं इति अनेन विश्वस्य समष्टि आत्मना। विश्व समष्टि आत्मना उसी में ईश्वर अब धर्म बैठा हुआ है। हमको दिखाई पड़ रहा है, मान लीजिए आपको दिखाई पड़ रहा है कुर्ता, आपको दिखाई पड़ रहा है कुर्ता, परंतु वो कुर्ता किसी में गुथा हुआ है? तंतु के ऊपर ही कुर्ता दिखाई पड़ रहा है, तंतु भी कुर्ता रूप में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार वो शुद्ध चेतन ही इस सृष्टि रूप में दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब हमको स्थूल वस्तु दिखाई पड़ रहा है कि हमको स्थूल को आश्रय करके ही वो सूक्ष्मता की ओर ले जाना। इसीलिए आप बोलते हैं कि प्रकृत विश्व विषयत्म विषयति इति अनेन विश्वस्य समष्टि आत्मना ईश्वरत्म विवक्षित। विश्व यहाँ पे समष्टि रूप में जो बोलना अभिप्राय उसको सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए भाष्यकार क्या लिखते हैं। विशेषां नराणाम अनेकथा नयनात् वैश्वानरः। ठीक है, विशेषां विश्व शब्द है सर्वाधिकार में है, सर्वाधिकार में ना, तो आमी सर्वनाम न सूट छूट आगम होता है, तो जिस प्रकार नराणाम बनता है, परंतु सर्वाधिकार के शब्द बनते हैं सर्वेशां। ठीक है ना, तो यहाँ पे सर्वेशां इसलिए हो गया विशेषां षष्ठी बहुवचन विशेषां। नराणाम रामानाम नहीं हुआ यहाँ पे, सर्वाधिकार के शब्द है इसलिए विशेषां षष्ठी बहुवचन, इसलिए यहाँ पे नराणाम यहाँ पे ठीक है। नर शब्द का मतलब संपूर्ण सृष्टि का विशिष्टि का मतलब जीवों को, अनेकथा नयना अपने उन उन जीव का अलग अलग कर्म के अनुसार अलग अलग ले जाता है। कौन ले जाता है? चेतन के बिना कौन ले जाएगा? वही शुद्ध ईश्वर। इसीलिए बोलते देखिए विशेषाम नराणाम, आप यहाँ जो विशेषाम नराणाम है तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में, करण अर्थ में, षष्ठी प्रयोग है। समस्त सृष्टि के जीवों को, समस्त सृष्टि को जीवों को उनकी कर्म के अनुसार ले जाता है। तो जीवों को कर्मणि षष्ठी। शब्दों को समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग किया जाए। इसे टीकाकार लिख रहे हैं कर्मणि षष्ठी, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है वो कर्मणि षष्ठी है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको कुछ नहीं आएगा समझ में ना, तो वहाँ पे आप षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। आप पढ़ने वाला को बताना पड़ेगा कि क्या मंत्र, समझना पड़ेगा। अनादर षष्ठी, संबंध षष्ठी और एक सूत्र ये बताए पानी लीजिए कि आप जहाँ पे आपको विभक्ति लगाने के लिए दिक्कत हो रहा है षष्ठी विभक्ति लगाता है। अनादर षष्ठी आपके पास आया, संबंध षष्ठी आपके पास आया, कर्तार्थ में षष्ठी, कर्मार्थ में षष्ठी, जो हमारा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा वहाँ पर कर्म षष्ठी के रूप में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण नराणाम अनेक अथा अनेक प्रकार से ले जाने का कारण नयनात है ना, मतलब इट कैरीज इट टेक्स अवे। इसका नाम हो गया वैश्वानर, इसका नाम हो गया वैश्वानर। ठीक है, ये पहला अर्थ किया भगवान भाष्य का। अब एक नंबर टिप्पणी में देखिए विशेषण नराणाम अनेक अथा नयनात। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी लिखा है वैश्वानर, उसको एक नंबर वैश्वानर। विश्व चे नरा नर शब्द बच्चा स्थूल देहा तेषाम अयम अधिष्ठाता। ये नयन कैसा हो गया? हमको कमा लगा है जी। हाँ, तो क्या हो गया विश्व, ये यहाँ पे विश्व विश्वेशम नराणाम बोल दिया ना, तो उन्हें समान विभक्ति दिखाई दे रहा है। जो विश्व है वही नर है। विश्व माने जो आपको विषय रूप में दिखाई पड़ता है वो क्या है? मनुष्य के रूप में, मतलब जिसको समस्त जीव को लिया जाता है
समस्त जीव को ले जाता है, चाहे पशु पक्षी हो चाहे देवता, सभी को ले जाने वाले। तो विशेष अस्ते नरश्च, ये जो है कर्मदाय समझ रहे हैं, विशेष ते नर शब्द मतलब नर शब्द वाच्य मतलब सारा जीव पे अपना शब्द के द्वारा बोला जाए। स्थूल देह क्या दिखाई पड़ते हैं हमको, स्थूल देह दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म नहीं दिखाई पड़ता, स्थूल देह। तेषाम अयम अधिष्ठाता, नयनम क्या, नयन क्या हो गया, ये अचेतन अधिष्ठाता के बिना कोई जड़ में कभी प्रवृत्ति होना संभव ही नहीं है। तेषाम विशेषाम नराणाम, तेषाम विशेषा नराणाम नयनात् मतलब अधिष्ठत अधिष्ठानत्वात्, समझ आया आपको। ऊपर ऊपर क्या लिखा है, विशेषाम नराणाम अनेकथा नयनात्। टिप्पणी का क्या लिखते हैं, विशेष नरश्च, जो विषय जो विषय वही नर मतलब अलग अलग शरीर ही हमारा सृष्टि है, और उन सबका नयनात् मतलब अधिष्ठानत्व, क्योंकि उस जड़ में कभी भी प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है चेतन अधिष्ठाता के बिना संभव नहीं है, यही उसका नियम है। अभिमान अधिष्ठान अधिष्ठाता, इसलिए अधिष्ठान अधिष्ठाता। अत्र पक्षे इस पक्ष में यहाँ पे तस्य इदम इति अनंत वैश्वानर शब्द बोध्यम है ना, बोध्य वैश्वानर शब्द बोध्य। इस पक्ष में क्या हो जाएगा, पहले बन जाएगा आपका विशेषस्य नरस्य, दोनों में प्रथमा बहुवचन है ठीक है ना, तो पहले बनेगा आपका विश्वनर ठीक है। और वहाँ पे जो तस्य इदम मतलब विशेषाम नराणाम, जो इसको इसका जो है ले जाने वाला जिसको अधिष्ठाता है, तो तस्य इदम शुद्ध उपगोर अयम उपगव ऐसा बनता है, उपगोर अयम तद्धित होता है, उसका हिस्से अन प्रत्यय होता है। उपगो उपगु है, उपगु नामक कोई व्यक्ति का ये गाय उसका है, तो उपगोर अयम ऐसे गुरोर अयम गव्यम ऐसा गुरु गुरोर अयम गुरव ऐसा करके आता है मतलब अधीत में, तो यहाँ पे उपगोहर औपगव ऐसा बनता है। तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो वैश्वन शब्द बना हुआ है यहाँ पे अन प्रत्यय हुआ है, अन प्रत्यय हुआ है कि सूत्र से तस्य इदम मतलब उसका ये है, ये सूत्र से सूत्र 4-3-130 तद्धित प्रकरण में आया हुआ है, तस्य इदम 4-3-130 छोटे में। अब तस्य इदम इति एक सूत्र है, पाणिनि सूत्र है, कैसे पता लगेगा, ये 4-3-130 पाणिनि सूत्र है ये, मतलब उसका ये है, तो क्या हो गया, ये अधिष्ठाता का ये है मतलब ईश्वर का, ईश्वर अधिष्ठित सब है। इस सूत्र का द्वारा वहाँ पे अन प्रत्यय हुआ है, अन प्रत्यय में नकार तो इत है आदि अस को वृद्धि कर देते हैं और अकार के बल बचता है। और जस्यति चाहे विश्व नर तो बी था तो हो गया वही ठीक है, और वैश्व वैश्व नर होना चाहिए था, मतलब वहाँ पे वैश्व आकार दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं पूर्व पदस्य दैर्घ्यम नरेशंगायाम, ये भी एक सूत्र है ना, यह 6-3-129 आपके पास एक सूत्र है विश्वस्व वसुराट, ये सूत्र आपने पढ़ा देखो, विश्व शब्द जब वसु अथवा राट शब्द बाद में विश्व दीर्घ हो जाता है उसी का बाद वाला सूत्र है, विश्वराट विश्व वसुर जो है ना, ये इसलिए आपको दीर्घ हो गया नरेशंगायाम ठीक, उसका बाद वो सूत्र है आपका 6-3-128 कौन सा विश्वस्व वसुराट और यह 6-3-129 तो विश्व शब्द का अनुवृत्ति वहाँ से आ रहा है, विश्व शब्द का अनुवृत्ति वहाँ से आ रहा है। तो विश्व को क्या हो जाएगा आपका विश्व नर पहले कहना, तो विश्व का आगे उसको वृद्धि होगा तो वही हो गया, और विश्व आकार करने वाले नर संगायाम, जब वो संगार्थ में प्रयोग होगा तब वहाँ पे अन्वर्थ में प्रयोग नहीं होगा, तब वहाँ पे उसको क्या हो जाएगा विश्व शब्द को विश्वा हो जाता है, तो विश्वा नर बन गए आदि तथित स्वसाम आदि उसको वृद्धि हो जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि विश्व चते नरा नर शब्द वाच स्थूल देह तेषाम अधिष्ठाता, अत्र पक्ष च इस पक्ष में क्या हो जाएगा तस्य इदम इस सूत्र के द्वारा वहाँ पे अन प्रत्यय हुआ और मूर्धन, वहाँ पे देखिए वो नकार को दीप्त हुआ है, हमने क्या पढ़ा इति अन्यंत लिखा हुआ है, ये जो आपको बोला था हमारे पास नमो प्रसाद अचि नमो नित्यम, ये जो सूत्र आया मतलब आपके पास भी आया हुआ है, दंतना मूर्धना और नकार मतलब क वर्ग की नजल त वर्ग की नजल या ट वर्ग की नजल, इसके पहले यदि ह्रस्व शब्द अच हो और बाद में यदि अच हो तब क्या होता है दीप्त हो जाता है, ये सूत्र है आपके पास, ये दीप्त हो जाता है, तो परंतु ये वैकल्पिक है, कहीं हिंदी होता है कभी नहीं होता, यदि ऐसा मस्त होता ना तो इको ने सुन वहाँ पे दो नकार होना चाहिए, इको यन अचि मूर्धना आया हुआ है
यो में आकार है, आज बाद में आकार है, तो हमें दो नाका सूत्र में करना चाहिए था, नहीं किया मानी नजी ने, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे जो है कि ये इस सूत्र के द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि अन प्रत्यय हुआ है, और अन प्रत्यय होने के बाद विश्वा कैसे बना, तब बोलता है विश्वा बनने के लिए उपाय क्या है कि अब नरे संज्ञायाम, इस सूत्र से नरे संज्ञा मतलब क्या होता है कि विश्व शब्दों के बाद में जैसे वसु शब्द अथवा राज शब्द अथवा दीर्घ होता है, इसी प्रकार नर शब्द बाद में होने पर भी वो विश्व शब्द विश्वा हो जाता है, परंतु कब, जब संज्ञा अर्थ में प्रयोग होगा शब्द, विश्व शब्द का नाम हो गया पुरस्कार। ये हो गया एक नंबर टिप्पणी, समय में दो सूत्र यहाँ पे आया हुआ है, तस्य इदम, ये 4-3-130 और नरे संज्ञा ये 6-3-120, ध्यान रखने इसको आप लिख के रखो 6-3-128 किसते, इसमें विश्व शब्द का अनुवृत्ति आ रहा है, विश्व शब्द का। यहाँ पर वैश्वानर विराट के लिए वैश्वानर शब्द निश्चित, वैश्वानर शब्द परिच्छिन्नता में बोल रहा है परंतु लक्षित हो रहा है उसके तरह विराट, विशेषाम नारायण इसलिए तो बोल रहा है, ईश्वर शब्द ईश्वर तक ले जाना चाहते हैं, विराट भी नहीं, विराट तो केवल स्थूल शरीर, ईश्वर तक ले जाना चाहते हैं हमको, तो क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाना यहाँ पर हमारा अभिप्राय है, इसीलिए यहाँ पे तो यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि विशेषाम नारायण अनेक कथा नयना वैश्वान, एक नंबर टिप्पणी पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं कर्मणि षष्ठी, विश्व च ते नरा च इति विश्व नरा, विश्व ठीक है ना, विश्व च ते नराश्च, वो विश्व भी है वही नर है, जो यहाँ पे टिप्पणी का विश्व च ते नरा च टिप्पणीकार जो लिखा ना उसी को टीकाकार लिख रहे, मतलब टीकाकार से इसका अनुवृत्ति लिया गया है, टिप्पणी का लिखा है परंतु शब्द बना कैसे, किस सूत्र के सहारे इतना टिप्पणीकार लिखे जो टीकाकार नहीं लिखा, टीका में क्या लिखा है विश्व च ते नरा च, यही विग्रह यहाँ नहीं किया, मतलब कर्मधारा समझ दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक ही सूत्र से हुआ, ये केवल मतलब टिप्पणी का विषय दिखा दिया। अब तो है यहाँ पे निपातनात् पूर्व पदस्य दीर्घता, टीका में मिला। अब यहाँ पे टिप्पणी का क्या बोल रहे हैं, नरे संज्ञायाम, जब किसी की व्यक्ति के नाम होगा वो, तब तो वहां पे क्या हो जाएगा, विश्वानर बनेगा, और परंतु यहाँ पे तो तुम क्या देखा लो, वो उसका नाम है, वो समस्त विश्व को चलाने का अधिष्ठान जो है, वो भी समझ कर रहे हैं ना, तब यहाँ पे किसी का नाम तो आप नहीं बोल रहे, तब यहाँ पे विश्व कैसे बना, तब टिप्पणीकार बोलता है निपातनात् पूर्व पदस्य दीर्घता, विश्व और नर दो शब्द है, वहाँ पे वैश्व नर बना, तो वहाँ पे विश्व शब्द विश्वा कैसे हो गया, तो निपातन से हुआ, निपातन मतलब कोई सूत्र नहीं लगा, शब्द बना ऐसा, तो अब उसके ऊपर देखिए टिप्पणी बोल रहे, चार नंबर टिप्पणी, ठीक है। ये इसलिए थोड़ा व्याकरण की आवश्यकता होती है कि यहाँ पे निपातन असंगत्व अभिप्राय न इदम, क्योंकि वहां पे नरे संज्ञाया में क्या बोला, जब किसी व्यक्ति का नाम के रूप में कहोगे तब वहां पे आप कर सकते हैं, पर इसलिए बोलता जहां पे संज्ञा नहीं है, कोई जानते नहीं उसका, क्योंकि जो शुद्ध चेतन को दिखाओगे उसका कोई नाम ही नहीं है, वो तो नाम से परे हैं, अब विश्वनर का तरह किसको दिखाना चाहते हैं, शुद्ध चेतन को दिखाना चाहते हैं, ईश्वर को माध्यम बना करके, उसका तो नाम ही नहीं है, तो वहाँ पे विश्वनर कैसे हुआ, वहाँ पे वैश्वनर होना चाहिए था, वैश्वानर नहीं होना चाहिए था, इसलिए बोलते हैं असंगत अभिप्राय, जब यहाँ पे नाम नहीं है, जब नाम उसको दिखाना चाहोगे तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, निपातन करना पड़ेगा, शब्द प्रयोग किया विश्वनर, विश्वनर शब्द यदि कोई एक व्यक्ति को बोलते हैं, मतलब व्यक्ति अभिमानी चेतन को दिखा करके बोलते ही विश्वनर है, तब तो उस व्यक्ति को, परंतु जब आप इसको निर्विघ्न निराकार के दिखाना चाहते हो तब क्या हो जाएगा, वहाँ पे विश्वनर शब्द प्रयोग नहीं कर पाओगे, आकार कहाँ से रखोगे, तब आनंदगिरी जी ने बोला निपातन से, टिप्पणी कर उसको समझा रहे, क्योंकि यहाँ पे नाम रूप से परे को दिखाना है, इसलिए यहाँ पे वो सूत्र नहीं लगा पाएगा, नरे संज्ञा नहीं लगा पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, निपातन से शब्द तो प्रयोग हुआ, कैसे हो निपातन से, असंगत अभिप्रणम संज्ञाते तु नरे संज्ञायाम इति अवबुद्धम, जब किसी व्यक्ति को दिखा करके बोलोगे इस व्यक्ति का नाम, वहां पे तो आप ये सूत्र लागू हो जाएगा नरे संज्ञा। देखिए कितना सूक्ष्म विचार किया, क्या आनंद गिरी जी ने उसका विग्रह विग्रह दोनों ने एक किया, और आनंद गिरी जी बोले यहाँ पे निपातन से हो रहे हैं, और टिप्पणी का बोले नरे संज्ञायाम से, वहाँ पर जब आप मतलब एक स्थूल वस्तु को दिखा करके इस व्यक्ति का ये नाम है बोलोगे, तब तो वहाँ पे विश्वानर शब्द बनने के नरे संज्ञायाम दीर्घ करेगा,
परंतु जब उसके तरह लक्षित करना चाहोगे जिनको नाम रहित को, तब तो संग नहीं है, तब कैसे करेगा? तब निपातन से हो, तब निपातन से होगा। यह अभिप्राय से बोलना है, निपातनात् पूर्व पदस्य देवता। फिर आगे देखिए विद्या, विषान नरान भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान प्रति अनेकधा धर्माधर्म कर्म अनुसारेण सुख दुखादि प्रापनात् अयम कर्म फलदाता वैश्यानर शब्द तो भवति इति अर्थ बोला। देखो वैश्यानर शब्द का दिखाना क्या चाहते हैं, ईश्वर तक ले जाना चाहते हैं। अब कैसे होगा ईश्वर, तब देखो उसका समझाने के लिए अनुमी यहाँ पर लिख रहे हैं। विषान नरान है ना, सारे जीव को, समस्त जीवों को नरान भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान, जो भोक्ता रूप में दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए 84 लाख योनियों में आप अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, और एक शरीर दूसरा शरीर को खाता भी है, एक भोक्ता है तो दूसरा भोग को भी है, इसलिए सभी भोक्ता भी है भोग को भी है। इसलिए आप बोलते हैं भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान विषान नरान, भोक्ता का रूप में जो व्यवस्थित उनके प्रति अनेक था, और उनको कैसे कैसे ले जाता है, कौन किसको खाएगा, ये निर्धारण कौन की, ये निर्धारण भगवान ने थोड़ी किया, हमारे कर्म ने किया, हमारे कर्म ने किया। ये भी आप सप्तम में ब्रह्म ने पढ़ेंगे, मन वाणी और प्राण, आपके मन वाणी और प्राण को आप उत्पन्न करते हैं। गाय शेर को नहीं खाएंगे, परंतु आपको गाय शरीर मिला अथवा शेर शरीर मिला, ये किससे निर्धारण हुआ? इसलिए कौन किसको खाएगा, ये निर्धारण जो है भगवान ने नहीं कर दिया, ये ध्यान रखना है। इसलिए विषय नरान भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान प्रति अनेक देखिए धर्मा धर्म कर्म अनुसारेण, इसके ऊपर आपने क्या धर्म किया, क्या अधर्म किया, तो सामान्य को मैं उसके अनुसार सुख दुख आदि प्रापना है ना, सुख दुख को प्राप्त कराने वाला। कल भी मैं बता रहा था कि देखो ये जो भगवान कैसे योगक्षेम को वहन करता है, केवल स्थूल योगक्षेम नहीं, सूक्ष्म योगक्षेम कैसे वहन करता है, ये चीज योगक्षेम महान महान उसका प्रतिज्ञा है। तो स्थूल योगक्षेम को हमको लगता है कि ठीक है जो हमारे पास नहीं है उसको लाते हैं, उसको रक्षा करने के भगवान का तो ठीक है, पर तो सूक्ष्म योगक्षेम जिस समय हमारे दुख प्राप्ति के समय आएगा, जिस समय हमारे आगे भोग कितना फोन बजने लगे, समय हो गया क्या तो ये जो जिस समय दुख प्राप्ति के समय होगा, उस समय क्या होगा, कोई भी मनुष्य दुख प्राप्ति के लिए काम नहीं करता, जानबूझ के मैं दुख प्राप्त करूं ऐसा तो हम कभी नहीं सोचते हैं, परंतु हमें उस प्रकार की कर्म करने में मजबूर कौन करेगा, जिससे हमें आगे दुख प्राप्त होना हो उस प्रकार के कर्म करने में, तो उस प्रकार की वृत्ति कौन कौन उठाएगा, भगवान उठाएंगे पहले चित्त में, भगवान तो चित्त में वृत्ति को लाएगा, कौन हमारे कर्म से आएगा हमारे पास, वो चित्त में वृत्ति को उठाएगा भगवान। ये जो अंतर्जामी रूप में बैठा हुआ है, वो अंतर्जामी ने एक ऐसा, मैं सामान्य दृष्टांत हमारे सामने देखा होगा, एक बार मैं बोला हम दो में एक व्यक्ति सामने बैठ करके कमरे बात कर रहे थे, कमरे में बैठ करके उस कमरे में सुंदर सुंदर पर्दा लगा हुआ है, हम दोनों ही वहाँ पे अतिथि थे, और एक हमसे मान लो 5 साल की उम्र में बड़े थे, तो उनको बोला कि ये पर्दा खराब हो गया, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। मैं बोला सामने की अरे यहाँ के तो बच्चे हैं आप, 70 साल की उम्र हो गया, आप क्यों जाएंगे कहीं फिसल गए, प्लास्टिक का टूल था तो कुछ नहीं होता, मैं कर देता हूँ। ये देखिए ये वृत्ति कौन उठाए, ये वृत्ति, ये जो हमारे आगे दुर्भोग भोगने का समय आ रहा है, वो दुर्भोग भोगने के लिए जो भगवान जो क्षेम वहन करते हो, मैं मना किया पर उसको रक्षा करना क्षेम नहीं कर देता, क्या होता है अनिच्छा प्रारब्ध, ये अनिच्छा प्रारब्ध में ये चीज हमारे किसी व्यक्ति दुख भोगने के लिए कोई प्रयत्न नहीं, परंतु जो है हमारे भोगना पड़ेगा, वो गिर गए हाथ में चोट, तो क्या आप क्या करेंगे बताइए। तो ये जो है विशेषाम नरा नाम अनेक कदा धरे ना, ये नहीं हंसने की बात नहीं है, बहुत सूक्ष्म ईश्वर अंतर्जामी की विद्यमानता को हर प्रकार से देखने का कोशिश करें, अंतर्जामी की विद्यमानता नहीं चाहते, इसीलिए तो अर्जुन प्रश्न कुछ अनिच्छा न भी वर्ष में बला दपिनी में नियोजित हो अथ के न प्रयुक्त एवं पापम चरती पुरुष, अर्जुन की प्रश्न था भी
ये जो अनिच्छा प्रारब्ध क्या होता है, अथो के न प्रजिक्त पापों चलती पुरुषो, उत्तर भगवान क्या बड़ा काम है शकों वैश्य, तुम्हारे अंदर की रजोगुण, उस समय रजोगुण को कौन बढ़ाता है, सत्य रज तम तीन गुण यहाँ पे विद्यमान है, बैठ करके दो महात्मा शक्ति मतलब सत्संग कर रहे थे, अचानक रजोगुण कैसे आया कोई काम कर दो, कौन लाया, ये अंदर जाने का काम है, कि जिस समय हमारा दुख भोगने का समय आता है अनिच्छा प्रारब्ध तो उस समय से मृत्यु करते हैं, और कोई मना करने पर उसको रक्षा भी करते हैं, अरे कोई तो आपने कितना बार किया कुछ नहीं होता, ये चीज जो है ये विशेषाम नराना मने कथा नयनाथ विशेष, ये इस प्रकार से कि विश्वान नारायण भोक्तृत्व न व्यवस्थित अनेक कथा धर्मा धर्म कर्म अनुसार सुख दुख आदि प्राप प्रापयन है ना, प्रापना प्रापनाथ है ना, प्राप्त कराने के कारण अयम कर्म फलदाता है ना, फलदाता कौन है, फल अत उपपत्य है आपके पास, द्वितीय अध्याय तृतीय पद में है फल फलदाता ईश्वर ही है, ब्रह्म को नहीं बोलेंगे ध्यान रखना, हिरण्यगर्भ भी नहीं हो ईश्वर कर्म फलदाता, ये जो विषय हम ये बोलते हैं ना इसमें शिव में स्त्रोत्र में क्रतु नाश हो जाने पर भी क्रतु जात की फल देने के लिए जो तुम जगे रहे हो ईश्वर जगा रहे, यदि तुम गारंटर के रूप में नहीं होते तो कौन कर्म करता, कर्मों तो नाश जाता है उस पर अतिरिक्त है, यदि गारंटर के रूप में मतलब वेद में चाहे कुछ भी लिख दिया है, वेद ने ईश्वर नहीं माने पूर्व ईश्वर पर नहीं मानते हैं, तो पुष्पदम तो बोल रहे हैं कि यदि आप गारंटर के रूप में नहीं होते केवल वो पुस्तक पर के कोई कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, आप है समझ में है विश्वास आता तभी जाके लोग कर्म करते हैं मुझे पैसा फल मिलेगा, ये नहीं होते पूरा वेदांत तो यहाँ पे बोलते हैं कि अयम कर्म फल जाता वैश्वान शब्द तो भगवती वैश्वान शब्द के द्वारा कहा जाता है, ठीक है समय एक ही केवल कई लाइन पढ़ने में देखो समझ आता है, पर मैं ये चाहता हूँ कि समझ समझ के चले ताकि इसी से आपको जो है मतलब ये वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है, ये सब नहीं हूँ मैं, नहीं तो इतना तीखा टिप्पण कर लिखेंगे कि इसी समय से जो है विचार दृष्टि खुलता है, हम अपनी वृत्ति को देख पाए वृत्ति को समझ पाए चित्तवृत्ति को विशेष करके समझ पाए, चित्तवृत्ति को भी आप समझ पाएंगे चित्तवृत्ति को से आप धीरे धीरे उसको शोधन करना, ओम होने दो आज लास्ट वाला यत्र ज्ञालोका भाषा प्रतिहति अगमत शांत मोहांधकार मज्ज उन्मज्ज घोरे असकृत उपजन उदनवते त्रासने, अंतिम में लास्ट में भगवान शंकराचार्य के तीन तीन मंगलाचरण मतलब प्रणाम है उनको, एक अपनी मतलब ईश्वर के प्रणाम, ये हमारे परम गुरु को प्रणाम और अपने गुरु को प्रणाम, लास्ट वाला आज लास्ट वाला है, दोबारा बोलते हैं यत्र ज्ञालोकाभाषा प्रतिहति अगमत् स्वान्त मोहांधकारो मज्जोर्मज्ज घोरे उदन्वति त्राशनेने यत्पादाभाश्रितानां श्रुतिशमभिनया प्राप्तिरज्ञायमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविन्दौ सर्वभावैर्नमस्ये पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।